हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकविला यूट्यूब चैनल में। फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट कैसे करें। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, हाउ टू कनेक्ट फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग स्मार्ट वॉच टू मोबाइल। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पे एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, द फिट ऐप, और इसके बाद में इसको ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका जेंडर, इसके अलावा बर्थ डेट और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। इसको आपको अपना बर्थडे, जेंडर, हाइट, वेट ये क्लिक कर करके आपको इसको सेट कर लेना है। नीचे राइट टिक का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। परमिशंस आपको दोस्तों अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे एक ऑप्शन दोस्तों स्मार्ट वॉच का, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। और ऊपर ऐड डिवाइस वाला एक ऑप्शन है, इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। अलाउ परमिशंस जो है दोस्तों उसको अलाउ कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने तुरंत ये डिटेक्ट कर लिया है, निंजा कॉलिंग हमारी जो स्मार्ट वॉच है इसको तुरंत इसने कनेक्ट कर लिया है। अगर आपका ब्लूटूथ वगैरह ऑन नहीं है दोस्तों, तो जो भी परमिशंस ये मांगे इसको आपको जो है कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं। करने के बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी बैटरी दिखाने लगा है दोस्तों स्मार्ट वॉच की। दोस्तों कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों हमारी जो फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग स्मार्ट वॉच है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये स्क्रीन ऑन हो जाती है इस तरह से। और यहाँ पे हमारे कनेक्ट दोस्तों, यहाँ पे जितने भी फीचर्स में दिए हुए हैं, जैसे कि आपका वॉच फेस है, तो हम यहाँ वॉच फेस पे अगर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अलग अलग वॉच फेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा वॉच फेस इसमें ये है। अगर हम यहाँ दूसरा वॉच फेस क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे चेंज होते जा रहा है दोस्तों। वॉच फेस हम जो भी मोबाइल में सेलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा यहाँ पे वॉच फेस चेंज होते जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे हम फ़ोन की नोटिफिकेशन रखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं दोस्तों, इसको अलाउ कर सकते हैं परमिशन दे के दोस्तों। इसके अलावा आपको और भी परमिशंस वहाँ, जैसे मैसेज की आप जो नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, जिस ऐप की आपको नोटिफिकेशन देनी है उसको आप यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ शटर वाला ऑप्शन है। शटर वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि हम जो कैमरा है दोस्तों हमारा हो चुका है, और इसके अंदर में दोस्तों जो भी फोटो हम क्लिक करना चाहते हैं, जैसे हम ये देख सकते हैं आप स्मार्ट वॉच की फोटो हम यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम बॉक्स की फोटो यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर शटर वाले ऑप्शन से अगर आप बटन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए हम शटर पर क्लिक करेंगे, और ये जैसे ही हम शटर क्लिक करते हैं तो यहाँ 3-2-1 होता है दोस्तों, और हमारी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ऐप के थ्रू ही जो है दोस्तों आप शटर का भी ऑन कर सकते हैं, और जो भी फ़ोटो आप यहाँ पे लेंगे दोस्तों, वो यहाँ पे आपको क्लिक करने पे फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। इसके अलावा आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स दोस्तों, आपको उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उनको आप डायरेक्ट यहाँ से अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर में डायरेक्ट उनको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे फीचर्स हैं दोस्तों आपको स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करने के बाद में, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे, आपको एक अदर वाला ऑप्शन आता है। अदर वाले ऑप्शन में दोस्तों आपका जो टाइम फॉर्मेट है, अगर टाइम फॉर्मेट यहाँ पे 12 घंटे वाला रखना चाहते हैं या 24 घंटे वाला रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अभी हमारा ये 12 घंटे वाला सिस्टम था, इसको हम 24 घंटे में भी क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो 12 घंटे या 24 घंटे, अगर आप 24 घंटे वाले पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो 24 घंटे वाला आप देख सकते हैं ये 19 हो चुका है। और अगर हम इसी टाइम फॉर्मेट को 12 घंटे का कर देते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये हमारा 7:35 बताने लगा। तो इस तरह से आप इसका टाइम फॉर्मेट यूज़ कर चेंज कर सकते हैं। यूनिट आप इसका जो है अलग अलग, मैट्रिक रखना चाहते हैं, पायरल रखना चाहते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। तो जो भी सेटिंग है दोस्तों आपको आपकी स्मार्ट वॉच की, वो सारी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैटरी सेविंग करना चाहें तो वो चालू कर सकते हैं, फ़ोन म्यूज़िक कंट्रोल करना चाहें तो उसको ऑन यहाँ से कर सकते हैं। मतलब स्मार्ट वॉच से आपको जो जो चीज़ें करना है उनको आप यहाँ के आके चेक कर लीजिए और ऑन कर लीजिए, जो जो चीज़ें नहीं करना है उनको यहीं से आके दोस्तों आपको ऐप से बंद भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर में कर सकते हैं दोस्तों। वाटर ड्रिंक करने का बहुत ही ईजिली आपके फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग स्मार्ट वॉच को आपको आपके मोबाइल से, फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए टेकविला यूट्यूब चैनल में। स्टे रॉक।